हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा टेनिस बॉल से सिक्स मारने के लिए तीन ज़रूरी बातें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी छक्के मारने के लिए। गाइस, अगर आपको टेनिस बॉल से सिक्स मारने तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इस वीडियो के बाद। इस बात की मैं आज गारंटी ले रहा हूँ कि आपके सिक्स लगने आज के बाद स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे। और गाइस, तीसरा जो तरीका है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत भाई बोल रहे थे भैया व्हाट्सअप नंबर दो, तो मैं आपको बता दूं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, उसमें मैं भी होऊंगा और आप सब लोग, आपको ज्वाइन होना है तो नीचे लिंक है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे बातें करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, और एक ग्रुप है, अच्छा हो जाएगा, हमारी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम वहां शेयर कर सकते हैं। तो नीचे लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। अब आपको बता दूं पहला सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको सिक्स मारने, गाइज माइंडसेट। आज आप जो भी सिक्स मार रहे हैं सबका माइंडसेट देख सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट हल्का है, आप डबल माइंड होते हो, मतलब छक्के मारने में कि नहीं छक्का मार सकता हूँ, बाउंड्री से बाहर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, अगर ये बातें आपके मन में है तो आप कभी भी सिक्स नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लो कि जो बॉल मुझे मिले उसको मुझे बाहर ही करना है। ये अगर आपकी मेंटलिटी है, आपके दिमाग में है, तो आप एक बड़ा हार्ड हिटर बन सकते हो। आप देख सकते हो रिसेंटली ऋषभ पंत है, जो उनकी रेंज में बॉल आती है बाहर करते हैं, उनका माइंडसेट है, वो हर गेम में ऐसे ही खेलते हैं। आप पीछे ले सकते हो वीरेंद्र सहवाग, उनके वो टेस्ट मैच भी खेलते तो इसी तरह खेलते हैं। तो ये नहीं कि आप रेड बॉल से ऐसे नहीं खेल सकते और वाइट बॉल से अलग खेलो, आपको गेम अपना सेम ही रखना है। अगर आपको लग रहा है आपको हल्टर बनना है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बनना है गाइस सिक्सेस मारने, तो सबसे ज़रूरी है अपना माइंडसेट आप क्लियर करो कि गेम मुझे वही खेलना है, अपना हिटिंग वाला ही मुझे मारनी है, जो भी चाहे मैं 50 ओवर खेल रहा हूँ या वनडे खेल रहा हूँ, मतलब डेज मैच खेल रहा हूँ या T20 खेल रहा हूँ, तो अपना माइंडसेट वही रखो कि आपकी रेंज में बॉल आए तो बाहर करनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंडसेट आप अभी से अपना बनाना शुरू कर लो। आप कोई भी टेनिस से खेल रहे हो मैच, तो ये सोचो कि जो बॉल मुझे मिले उसको मुझे बाहर ही करना है, सबसे आसान तरीका है आपको हार्डर बनने का। अब गाइज, दूसरा मैं आपको बता दूं, छक्के मारने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये गाइस फोर आर्म्स में ज़रूरत है, शोल्डर बड़े होने चाहिए या आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, तो ये दिमाग से आप बात निकाल दो कि छक्के मारने के लिए पावर की ज़रूरत है। छक्के मारने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं, गाइस टाइम करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हार्दिक पांड्या, आप अभी भी देखते हो कोई भी मसल नहीं है, बहुत बड़े बड़े जो छोटे प्लेयर है 19 के लड़के वो भी जाके सिक्स मार रहे हैं IPL में। तो कारण क्या है? पावर नहीं, वो टाइम करते हैं बॉल को। तो आज से आपको क्या करना है, टाइम करना है बॉल को, पूरा मेहनत आप टाइम करने में लगा दो। आप ये ना सोचो कि मुझे मसल बड़े करने या मुझे ज़्यादा मैं अपना वेट उठाऊंगा या जिम जाऊंगा जब भी जाके छक्के मारूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको टाइम करना आना चाहिए। अगर आपको टाइम करना आता है तो आप 100% बोल रहा हूँ गाइस छक्के लगाने स्टार्ट कर दोगे। तो टाइम करना कैसे है, टाइम को आपको टेक्निक समझना पड़ेगा कि छक्के लगते कहाँ हैं, मतलब मिडिल कहाँ पे करना है, बॉडी वेट कहाँ है, ये छोटी छोटी चीज़ें जब जाके टाइम आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रखो कि बॉल को आपको बीच में लगाना सीखना है, ये आपका एरिया होता है, अगर बॉल यहाँ पे लगेगा तो अच्छा ही जाएगा, मतलब दूर ही जाएगा, वही छक्के लगाने का सबसे आसान तरीका है। बॉल को टाइम करने के लिए जाओ, ना कि आप ये सोचो कि पावर लगाना है, पावर भी चाहिए, पावर और टाइम दोनों चाहिए, जब भी जाके लगेंगे। आप सोच रहे हो सीधा ऐसे ही हल्का सा बैट लगा दो ऐसे चले जाएंगे, कोई कोई ऐसे चले जाता है, पर टाइम और पावर दोनों आप साथ में लगाओगे तो लंबे छक्के जाएंगे और बड़े जाएंगे। अपने दिमाग में डाल लो बात कि टाइम करना, आज से स्टार्ट करना है। टाइम का मतलब गाइस बैट के बीच में बॉल लगाना है और आगे लगाना है, ना कि ऊपर बीच में लगा दो, सामने मारना है जब भी जाके जाएंगे, छोटा मिल रहा है तो इधर मारना है। अब गाइस बता दूं तीसरा जो सबसे ज़रूरी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जजमेंट। आपको जज करना है बॉल आगे है, पीछे है, ऊपर है या नीचे है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपके माइंड बिल्कुल ब्लॉक है, आप सोच रहे हो नहीं मुझे तो उड़ाना ही है, तो ऐसे कभी छक्के नहीं लगते। आपको पहले लाइन को जज करना पड़ेगा कि लाइन छोटा बॉल है या आगे है। अगर आप जज करके मारोगे तो ज़्यादा अच्छे छक्के जाएंगे। अगर आपको लग रहा है छोटा बॉल आ रहा है तो अपना बॉडी वेट हल्का सा पैर अपना पीछे ले जा सकते हो, फिर उड़ा सकते हो बॉल। अगर आपको लग रहा है आगे तो आपको आगे के लिए तैयार रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिक्स मारने के लिए। अगर आप जजमेंट नहीं करते तो गारंटी बोल रहा हूँ कभी छक्का मारना नहीं सीखोगे। तो जजमेंट करना आज से स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि बॉल अपना 3/4 है नहीं मारने की, तो उसको रोक भी सकते हो, ये सबसे ज़रूरी है जजमेंट। छक्के मारने के लिए जज करना आना चाहिए। और गाइज, जजमेंट आपको आएगी कैसे, जब आप कंटिन्यू मैच खेलोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलो जजमेंट आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको जब बॉल पड़ेगी तो ये सोचना है बॉल आगे था या पीछे था, आप आउट हुए कैसे, आप पीछे का बॉल आगे तो नहीं खेल रहे हो या आगे का बॉल पीछे तेनों खेल रहे हो, ये आपको देखना है। जब आउट होने के कारण आप देखोगे बॉल ऑफ का, आप लेग में तो ज़्यादा नहीं लपेट रहे हो, या आपका लेग का बॉल है आप उसको रूम बना के ऑफ में तो नहीं खेल रहे हो। छोटी छोटी बातें आपको बैटिंग में देखनी है कि कहाँ का बॉल आप कहाँ खेल रहे हो। आउट होने के बाद अपनी बैटिंग को थोड़ा एनालाइज करो कि कहाँ आउट हुआ मैं किधर की बॉल किधर खेल रहा था, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं तो कभी आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो सीखना है, जब भी आप आउट हो आपको देखना है, फिर अपना बैटिंग में अगले दिन आप इंप्लीमेंट करो कि लाइन जज करनी कैसे है। लाइन जज कैसे होगी, आपको सीधा देखना है कि मेरी रेंज से बाहर है बॉल,
छोटे मतलब दूर है तो आपको पीछे खेलना है, अगर आपको आगे लग रही है तो आगे खेलना है, ऑफ में तो ऑफ में खेलना है, लेग में तो लेग में खेलना है। ये सबसे ज़रूरी है सिक्स मारने के लिए, जिधर आपकी बॉल आएगी उधर मारना है। और गाइज वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करो, मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्रिकेट दुरुसाल सेम अकाउंट है, और टेलीग्राम पे भी आपके भाई ने ग्रुप बनाया जैसे स्टार्टिंग में बताया, वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।